न्यूक्फिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ग्रिगनर्ड रिकब्ट्यूशन रिएक्शन में जो ग्रिगनर्ड रिजन में अल्कल ग्रुप है दिस इज़ आर एम जी एक्सर्नल ग्रिगनर्ड रिजेंट यहाँ पे कार्बन जो अलकाल ग्रुप का है दैट इज़ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव तो मोर एलेक्ट्रोनी की वजह से ये होगा पार्शल नेगेटिव और जो मैग्नीशियम है वो रहेगा पार्शल पॉजिटिव तो अब ये ग्रेगन रिएजन अपना ये अल्काइल ग्रुप रिलीज कर सकता इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल विच कैन अटेक ऑन एनी पॉजिटिव सेंटर प्रेजेंट इन द नेक्स्ट रिएक्टेंट जो इसके साथ रिएक्ट करेगा तो वो रिएक्टेंट जिन में एक्टिव हाइड्रोजन हो पॉइंट साथ में याद रखें दैट इज एक्टिव हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन यानी वो रिएक्टेंट जो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज्ड को प्रोवाइड कर सकते हैं तो इनके साथ जो ग्रिगनड रिएजेंट है इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होंगी फॉर एग्जांपल वेरी सिंपल इज दैट अगर हम एच टू ओ का रिएक्शन ग्रिगनड रिएजेंट के साथ करें तो ये हुआ एच ओ बॉन्ड एच फॉर एच टू ओ और यहाँ पे हम ग्रिगनड रिएजेंट लेते हैं दैट इज़ सी एच थ्री मीथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आप इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी ले सकते हैं इनका जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के दौरान हमें ये मिल जाएगा कि एज नो के मिथाइल जो है वो नेगेटिव है और एम जी पॉजिटिव यहाँ एच टू वो में जो हाइड्रोक्साइड आइन तो वो हाइड्रोक्सल ग्रुप है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो हाइड्रोजन है दैट इज़ पॉजिटिव बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ़ हाइड्रोजन और इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज़ हायर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम तो अब यहाँ पे जो ये मिथाइल ग्रुप है तो ये इज़ ए न्यूक्लियो फाइल इस हाइड्रोजन पे अटेक कर जाएगा और नतीजा तन हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा तो प्रोडक्ट हो जाएगा सी एच थ्री ग्रिगनर रिएजेंट वाला और हाइड्रोजन आइन दी वाटर सो वी विल गेट सी एच फोर दैट इज मीथेन साथ में जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा बस वो एक बाई प्रोडक्ट ही कंसिडर किया जाता है तो वो है कि ओ एच हो जाएगा मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन तो ये वो दूसरा प्रोडक्ट इसमें बन जाएगा सिमिलरली हम ये रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं अल्कोहल्स के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक अल्कोहल लेते हैं दैट इज़ सी एच थ्री सी एच टू बॉन्ड ओ एच सो दिस इज़ मीथाइल इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल. जब इसका रिएक्शन ग्रिगनड रिएजेंट के साथ करते हैं तो अगेन बस आप सी एच थ्री एम जी बी आर ले लें ले या एम जी आयोडाइड ले लें ले, जो भी दिया गया हो कॉन्सेप्ट द सेम रहेगा तो अगेन इसमें यह होगा कि ये, हो ये बॉन्ड मिथाइल की तरफ टूटेगा यहाँ पे ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूट जाएगा और इस तरह से ये मिथाइल हाइड्रोजन को ग्रेब कर जाएगा और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा तो वो हमारा ये प्रोडक्ट हो जाएगा कि अगेन वी विल गेट एन अल्केकैन दैट इज़ सी एच थ्री और एच तो बिकम्स सी एच फोर और इधर जो हमें मिलेगा तो ये सी एच थ्री सी एच टू जो अल्कोहल का बाकी मानदा फ्रेगमेंट है और यहाँ पे ये ऑक्सीजन उसके साथ एम जी बी आर सो दिस इज़ इटॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेकिन यहाँ पे अगेन हमें अल्कीन ही मिलेगा इसी तरह इसका रिएक्शन अगर हम एमोनिया के साथ करें दैट इज़ एन एच थ्री तो एन एच थ्री को हम कुछ यूँ लिख जाएंगे कि एन एच टू बॉन्ड एच और इसका रिएक्शन करते हैं अगेन इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लें दैट इज सी एच थ्री सी एच टू एंड एम जी बी आर अब यहाँ भी जो रिएक्शन होगा सो यू हैव टू फॉलो द सेम मकेनिज़म नथिंग न्यू तो उसमें अगेन बॉन्ड टूटेगा अल्काइल ग्रुप की तरफ़ यानी बिल्कुल मैग्नीशियम और जो कार्बन मिले हैं वहीं बॉन्ड टूटेगा और इधर ये बॉन्ड टूट जाएगा नाइट्रोजन की तरफ बिकॉज नाइट्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हमें जो प्रोडक्ट मिल जाएगा तो वो होगा कि सी एच थ्री सी एच टू और ये एच मिल जाएगा इसको तो जब ये एच मिलेगा सो यू विल गेट के सी एच थ्री सी एच थ्री यानी जो दूसरा सी एच टू था वो सी एच थ्री हुआ सो वी गाट ईथेन दिस इज़ दैट अल्थेन और बाकी जो है क्या बनेगा कि एन एच टू है दिस इज़ एन एच टू इट विल बॉन्ड टू मैग्नीशियम एंड बॉन्डेड मैग्नीशियम ब्रोमीन तो इस तरह से एक्टिव हाइड्रोजन जो भी कंपाउंड पेश करेगा तो हम ये रिजल्ट ले सकते हैं कि कभी भी अगर कोई कंपाउंड एक्टिव हाइड्रोजन रखता है यानी हाइड्रोजन विद ए पॉजिटिव चार्ज व्हेन कम इन फ्रंट ऑफ ग्रिगनर्ड रिएजेंट दैट इज़ आर एम जी एक्स तो सिंपल सब्सटीट्यूशन बस ये होगी कि वी विल गेट दिस के आर जो है वो इस पॉजिटिव हाइड्रोजन को अपने साथ लगा देगा सो यू विल गेट आर बॉन्ड लग जाएगा एच का और अगर हम अल्काइल ग्रुप को हाइड्रोजन वापस दे जाएं तो वो बन जाता है अल्केन तो ये आइडिया आपके जहन में होना चाहिए कि ग्रिग रिएजेंट से अल्केन बन बना सकते हैं जब किसी ऐसे रिएक्टन के साथ रिएक्ट किया जाए जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन यानी वो पॉजिटिव हाइड्रोजन दे सकता हो फिर ये कि अल्केन कौन सा बनेगा तो अल्केन जो भी ग्रिगनड रिएजेंट वाला अल्काइल ग्रुप होगा अगर वो मीथाइल है ग्रुप है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मीथेन में अगर वो इथाइल ग्रुप है सी टू एच तो एक हाइड्रोजन मिलने के बाद ये हो जाएगा सी टू एच सिक्स और अगर प्रोपाइल है तो सी थ्री एच सेवन एंड यू विल गेट सी थ्री एच एट तो कोरिस्पोंडिंग अल्केन आपको मिलेगा कब मिलेगा व्हेन वी रिएक्ट दिस विद हाइड्रोजन that active hydrogen so this was about the nucleophilic substitution reaction of grignard reagent